नमस्कार, नवतेज डिजिटल में स्वागत है। खबर यूपी के मथुरा से है। मथुरा में एक बार फिर हाथरस कांड दोहराया गया है। रामन रेती पुलिस चौकी के समीप एक गांव में 8 वर्षीय बालिका के मुंह में कपड़ा ठूंसकर रेप की घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद उस मासूम बच्ची की हत्या भी कर दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं गांव में घटना को लेकर आक्रोश व्यापक है। लोगों ने जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने की मांग की है। वहीं घटनास्थल पर एसपी सिटी सीओ सदर मौके पर पहुंच गए। एसएसपी डॉक्टर गौरव ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में एक व्यक्ति को पकड़ लिया है जिससे पूछताछ की जा रही है। लड़की थी ये, मेरे फूफा जी के लड़के की लड़की थी, करीब 9-10 साल की थी। यहाँ पर इन्हें लकड़ी लेने आई थी जी। तो यहाँ से पुलिया पर से ही गायब हो गई, फिर पता नहीं चला कहाँ पर। रात वह ढूंढी है 1 बजे तक, तब भी नहीं पता चला। फिर यहाँ पे पुलिस वाले और लोग बैठे हुए थे गाँव के, पूरी रात बैठे हुए यहाँ पे, हाथ थोड़ी कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश बालिका का शव आज सुबह उसी जंगल में से बरामद हुआ है। जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पैनल ऑफ डॉक्टर के वीडियोग्राफी से उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। परिजनों से विस्तृत पूछताछ हुई। खबर यूपी के सिद्धार्थनगर से है। सिद्धार्थनगर सीडीओ पुलकित गर्ग ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो जारी कर श्रमिकों के पंजीकरण पर जोर देते हुए पंजीकृत श्रमिकों को मिलने वाले लाभ एवं सुविधाओं के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी दी और जनपद के समस्त ब्लॉकों में रोस्टर वाइज श्रमिक पंजीकरण कैंप लगाने की बात कही। श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों को प्रदान की जाने वाली सहायक के संबंध अधिक से अधिक पंजीकरण करने के लिए सभी को प्रेरित करे। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण योजना जो पंजीकरण श्रम विभाग से संबंधित है उसके बारे में बताना चाहूंगा। पंजीकरण जो श्रम विभाग में किया जाता है उसके माध्यम से सभी जो हमारे निर्माण श्रमिक हैं उनको 20 से अधिक योजनाओं का लाभ मिलता है। खबर पंजाब के फरीदकोट से है। पंजाब के कई जिलों में इरादा कत्ल, लूटपाट, वाहन चोरी और असला एक्ट की बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाला अमनदीप सिंह उर्फ अमला को पुलिस ने 3 साथियों सहित एक पिस्तल के साथ गिरफ्तार किया है। इस गैंग के कई और साथी अभी फरार हैं। पुलिस ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही जेल से रिहा हुआ था और इस गैंग ने फरीदकोट, फिरोजपुर और मोगा जिला के आसपास के इलाकों में राधा कत्ल, लूटपाट, वाहन चोरी और असला एक्ट के कई मामले दर्ज है। ये पहले भी पकड़े गए थे मगर गलत नाम पता अपनी पहचान छुपाई थी, मगर जेल में इसकी असली पहचान हुई तो कई मामले सामने आए। पुलिस ने इसको इसके 3 साथियों सहित गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ की जा रही है। मानजोग एसएसपी साहब फरीदकोट रतन रावका, एक साड़ी सीआई है फरीदकोट के सिटी फरीदकोट के इंस्पेक्टर साहब ने बड़ा वधिया काम किया है। इन्होंने एक 4 बंदे का ग्रुप जिन्हें अमनदीप सिंह है, संदीप है, सुखविंदर है, सुखदेव, इन्होंने गिरफ्तार किया। खबर पंजाब के गुरदासपुर से है। गुरदासपुर पुलिस ने कस्बा दिन नगर में एक ढाबे में चल रहे देव व्यापार का पुलिस ने किया भंडाफोड़। डीएसपी दीना नगर में पुलिस पार्टी के साथ की रेड पिछले लंबे समय से ढाबे में जिस्म फरोसी का धंधा चल रहा था। पुलिस के द्वारा छापेमारी के दौरान 2 लड़कों समेत एक लड़की को गिरफ्तार किया गया और एक फरार महिला की तलाश जारी। फिलहाल पुलिस के द्वारा केस दर्ज करते हुए आगे तफ्तीश शुरू कर दी गई है। तीसरी मंजिल के उत्तों एक लड़की के लड़का इतराजयोग हालत में मिले थे तो उन्होंने असी हिरासत में लिया। ढाबा मालक अजय कुमार है, गुरदीनानगर का रहने वाला, लड़की जी गुरदासपुर की है, लड़का पिंड तूर का है। खबर यूपी के अलीगढ़ से है। किसान बिल के विरोध में दिल्ली के पास किसानों का रुख प्रदर्शन चल रहा है। उसकी जांच अलीगढ़ व आसपास के किसानों तक पहुंच गई है और भारी संख्या में किसान सड़कों पर उतर आए हैं। सड़कों पर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ा कर रास्ता जाम कर दिया है, जिसके बाद उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे लेकिन किसान बात को सुनने को तैयार नहीं है। वो कृषि बिल के विरोध में अलीगढ़ पलवल हरियाणा मार्ग पर कुराना गाँव के पास भारतीय किसान यूनियन द्वारा धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके चलते सड़क पर वाहनों का लंबा जाम लग गया। रास्ते पर जाम लगने के बाद लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अधिकारियों के आश्वासन के बाद भी धरने से मांग कर रहे किसान उठने को तैयार नहीं हुए। भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष विमल कुमार तोमर ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम लिखे गए ज्ञापन में मांग की गई कि किसानों के लिए बनाया गया बिल वापस लिया जाए।
वहीं किसानों के अनाज को निर्धारित मूल्य से नीचे खरीदने पर दंडनीय अपराध माना जाए। आज भारतीय किसान यूनियन ने पूरे प्रदेश में के पूरे राष्ट्र में जो किसान हैं, जो सरकार केंद्र सरकार 3 अध्यादेश लेकर आई है इनके विरुद्ध में जामता, और हमारे किसान भाई जो पंजाब हरियाणा से दिल्ली शांतिपूर्वक मार्च करते हुए अपनी बात कहने के लिए आ रहे थे, उनके ऊपर वाटर कैनन और उसी गैस की गोली और लाठीचार्ज जो कराई है गवर्नमेंट। भारतीय किसान यूनियन के तत्वावधान में जो जिलाध्यक्ष हैं श्री विमल तोमर, इनके नेतृत्व में कुछ किसानों ने यहाँ सड़क जाम किया पुराना में और ज्ञापन दिया है मुझे। ज्ञापन में मुख्य रूप से जो नया कानून बना है उसके विरोध की बात कही गई है।